नाम जोड़ना हो या जमीन का जो अभी सर्वे चल रहा है हमारे हाल ही में हमारे अच्छा, पंचायत होता है ये सब काम होता है। देखिए कुछ हद तक तो जमीनी स्तर पर होता है लेकिन कुछ हद तक नहीं हो पा रहा है। इसमें हम सीधे सीधे तौर पर हमारे पदाधिकारीगण और उनके जो निचले स्तर के जो कार्यरत हैं जो भी कार्य मैंने कर्मचारीगण हैं वो लोग पेंडिंग में रख देते हैं। इससे पहले यहाँ पर राशन कार्ड का आयोजन श्रीमती वो जिला पार्षद जो हमारे नुदत महाजबी जी हैं उनके माध्यम से उनकी अध्यक्षता में एक प्रोग्राम हुआ था जिनमें करीब करीब 700 आवेदन यहाँ पे जमा हुआ था। कितना कार्रवाई हुआ 20% हुआ कि 30% हुआ कि 50% हुआ उसका अभी कोई जो है कि नापतोल नहीं मिल पाया है। लोग परेशान रहता है खास करके राशन कार्ड के मामले में हमारे पंचायत के लोग परेशान रहता है। नाम जोड़ना हो या नया बनाना हो या घर से परिवार से अलग करना हो इन सब चीज़ों को एक चीज़ कहा जाता है कि वर्तमान में जो सरकार है पहले तो ये एनडीए के साथ थी अब ये महागठबंधन में फिर से नीतीश कुमार जी आ गए तो अब महागठबंधन की सरकार है तो इस सरकार में जो कामकाज यहाँ पे हो रहा है वो किस तरह का काम? देखिए जब पहले का काम पाया है नहीं काम तो देखिए अगर बारीकी से देखेंगे तो डेवलप हो रहा है जिस गति से होना चाहिए वो गति नहीं है लेकिन काम हो रहा है चाहे कछुए के चाल से ही चले लेकिन हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हो या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो और उनके हमारे जीते हुए प्रतिनिधि जनाब अलहाजी झारसपी साहब हो या फिर प्रतिनिधि जिला अध्यक्ष और समाज सेवी अंजार भाई हो उन लोगों का पहल रहता है कि काम 100% हो और नल जल का काम भी ठीक ठाक हो रहा है। कहीं कहीं विरोध अवरोध है कहीं कहीं नहीं हो पा रहा है उसके लिए हम लोग शिकायत करेंगे। अभी शिकायत का मौका आने वाला है कुछ देर में पदाधिकारीगण के समक्ष रखेंगे और जो है कि काम रोड का काम हो नाला का काम हो या यात्री साइड का काम हो। हाँ खास तौर पे हमारे पंचायत में सिर्फ ये कमी है कि पिछला पंचायत का जो हाई स्कूल का भवन है हाई स्कूल यूँ समझिए कि भाड़े पर टैगिंग पर चल रहा है और ऐसे मिडिल स्कूल में टैगिंग है जिस मिडिल स्कूल के पास खुद का जमीन नहीं है वो भी अनुदान वाला जमीन है और 18 डिसमिल उसमें मिडिल स्कूल भी चल रहा है एक आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है और उसमें कन्या उच्च विद्यालय भी है और अभी सुनने में आया उसको प्लस टू भी कर दिया है। यहाँ पे टीचर की उपलब्धता नहीं है और मजबूरन छात्र कमियाँ हैं बहुत सारी कमियाँ ऐसा कमी है कि छात्र और छात्राएँ जो है खड़े होकर के क्लास करने पर मजबूर है साहब। तो कुछ 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 जगह काम हुआ है कुछ कुछ जगह अभी भी बहुत कुछ होना बाकी यही कहने की कोशिश कर रहे थे एक भाई साहब और हैं कितना विकास हो पाया है आपके पिछला पंचायत की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में जी अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है जो भी है पंचायत स्तर पे जितना भी काम होना था नाला गली नाली जितना भी काम होना था वो अब तक हो चुका है और बाकी रहा आज जनसंवाद है हमारे पिछला पंचायत में जो कि अंचल पदाधिकारी और सीओ साहब वगैरह आए हुए हैं और भी अतिथिगण तो अभी तक बहुत अच्छा है। बाकी आज से जनसंवाद पहला जनसंवाद है जो आज से शुरू हुआ इसके बाद नेक्स्ट अब फिर अगला महीना जो भी होगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके जरिए आम पब्लिक में जो भी परेशानी है वो आके अपना यहाँ बयान कर सकते हैं। कामकाज हुआ है जी जो भी है ठीक है अभी बहुत अच्छी तो बहुत निकल करके आ रही है कुछ नहीं हो पा रहा है खैर वो तो होते रहेगा क्योंकि बहुत ऐसी बात है कि मतलब नहीं बोला जाता लेकिन ठीक है अभी जो भी हो रहा है ठीक है। सामने ही तो लोकसभा चुनाव है कहाँ है आपकी पिछला जनता पिछला पंचायत देखिए अभी यहाँ पर तो कई ऐसे चेहरे हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम हैं। देखिए जो महागठबंधन की अंग से अभी जीता हुआ रनिंग में जो है डॉक्टर जावेद साहब उनसे लोगों की राबता थोड़ा सा कम है लेकिन वो अपने कार्य को बखूबी कर रहे हैं भले ही लोगों से उसका रिश्ता नहीं रहा हो वो अलग मसला है लेकिन 2019 की अगर बात करें तो पूरे बिहार में एकमात्र सीट जो ये आई थी किशनगंज की वो जावेद साहब ही जीत के आए जी जी जावेद साहब ही किशनगंज से जीत के गए थे और ये कांग्रेस का गढ़ भी रहा है। अब देखिए अभी जनता खामोश है अब जनता जागरूक भी हो चुका है पढ़े लिखे तबके जो है खास करके इस चीज को देखेंगे आने वाला इलेक्शन में क्या होता है कुछ दिनों के बाद विधानसभा में यहाँ पे MIM का बड़ा चर्चा था और यहाँ से विधायक भी निकाल के दिए थे आप लोगों ने लोकसभा में MIM इंडिया अलायंस से कहीं अलग है। देखिए उन लोगों ने शायद देखा होगा कि वहाँ पर जाकर के प्रोटोकॉल कैसा रहा उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी रही इन सब चीज़ों को ये कुछ जो है कि व्यक्तिगत सवाल है ये खास करके हमारे प्रतिनिधि लोग ही समझते होंगे कि क्या दुश्वारियाँ क्या कमी आई होगी कि उन लोगों ने अपना पासा पलट करके महागठबंधन के गोद में गया और शायद उनके लिए ये बेहतर विकल्प होगा लेकिन इससे अवाम कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज़ है
इस नाराजगी को दूर करने के लिए उनको उनके विश्वास पर खड़े उतरना पड़ेगा। जितने वादे मुआदे किए थे सारे वादे मुआदे देखते हैं विधायकों का अचानक कुछ कर जाना आरजेडी में और उसके बाद फिर यहाँ बिहार में सरकार का अदला बदली हो जाना, एनडीए की सरकार से महागठबंधन की सरकार बन जाना, जी वो भी खैर वो जो भी है अच्छा है, क्योंकि इसलिए अच्छा है कि अब सीमांचल की जनता ने तो एमआईएम को सपोर्ट किया था, मैं खुद सपोर्ट किया था, लेकिन उस वक्त एक जुनून थी जो एमआईएम को सपोर्ट करना था, लेकिन उसको मैंने जिता भी दिया और कामयाब भी हुआ। तो फिर भी लेकिन ये लोग गठबंधन में गया है, गठबंधन का सरकार अभी बिहार में चल रहा है, कुछ अच्छा कार्य भी हो रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? तहसीन दादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों भाई का। तो ये पिछला पंचायत भवन के सामने पिछला हाट में मैं संवाद कर रहा था, दो भाई थे प्यारे भाई, और क्या नाम है, तहसीन भाई, दोनों से हमने बात की, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, आपको कैसी लगी जरूर हमें नीचे कमेंट करके बताएं, वीडियो को अधिक दोस्तों तक शेयर करें। चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।